Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management Session 11, Lean Operation and Time-Based Competitiveness. Topics to be covered will include lean operations and waste elimination, lean operation in the service industry, development of time-based competitiveness, design for manufacture and simultaneous engineering, time charting and analysis, business process reengineering, that is BPR, EDI, EPOS, and bar coding. Lean operations. Lean operations are a series of numerical and visual tools to streamline material and information flow. Lean operations basically numerical technique है, tools हैं जिसके through हम material की proper flow को देखते हैं. It includes continual waste reduction and looks at all processes from the perspective of the customer. इसमें हम वो सारी methods देखते हैं जिससे हम अपने waste को, अपने scrap को reduce कर सकें और customer के point of view से भी हम इसको देखते हैं. Lean manufacturing, a lean operations was first launched to the world through the just-in-time concept. Lean jo operations tha wo first time is duniya mein launch hua just-in-time ke through. For example, agar hum lean operations ki baat kare to jo Toyota ka production system hai उसमें जो प्रोडक्शन लेवल है वो हर लेवल पे प्लान्ड है और मॉड्यूलेटेड है. प्रोडक्शन वहाँ पे पुल होता है प्लान्ड के थ्रू और कैन बैन के सिस्टम के थ्रू. लीन ऑपरेशंस एंड वेस्ट एलिमिनेशन. द लीन अप्रोच टू सुपरवाइजिंग ऑपरेशंस इज फाउंडेड ऑन डूइंग द सिंपल थिंग्स वेल, on regularly doing them better, and on squeezing out waste in every step of the way. Lean approach basically यही है कि जो operations है, जो production process है, उसको supervise किया जाए अच्छे तरीके से, सबसे efficient और effective तरीके से, ताकि जो waste है, उनको हम कम कर सकें. Its focus is on the elimination of all forms of waste. इसका major objective यही होता है कि जितने तरह के और जितने level पे wastage जो हो रही है उनको कम से कम किया जाए. Waste can be defined any action which does not add value. अब हम बार बार waste की बात कर रहे हैं तो waste का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो कोई value ही नहीं है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमारे ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेस में कोई वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहे हैं. दो सिंपल चीजें यूज होती हैं लीन इंप्रूवमेंट के लिए. पहला तो 7 तरह के जो वेस्ट होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, जितने भी ये डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं. 7 forms of waste, ये हैं वो 7 तरह के waste जिनको हम reduce करते हैं. First is overproduction, second is waiting time, third transport, process, inventory, motion, defectives. Toyota ने ये 7 waste recognize किए थे जो कि उसने देखे कि उसके डिफरेंट ऑपरेशंस में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्शन हो. अगर हम ओवर प्रोडक्शन की बात करें तो ट्विटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करना जितने की ज़रूरत है वो भी एक तरह का वेस्ट है, जिसे हम ओवर प्रोडक्शन वेस्ट बोलते हैं.
नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का मतलब है यहाँ पे एक पॉज, किसी भी दो इंटरलेटेड प्रोसेस के बीच में जो वेटिंग टाइम होता है, जो पॉज होता है, उसको भी हम वेस्ट कहते हैं. जो वेस्ट वेटिंग टाइम है बेसिकली इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और लेबर की इफेक्टिवनेस दो ऐसे मेजर हैं जिससे इक्विपमेंट और लेबर का जो वेटिंग टाइम है उसको आप मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. मूविंग आइटम्स अराउंड द ऑपरेशन डज नॉट ऐड वैल्यू. जितना भी टाइम लग रहा है एक मटेरियल को या एक प्रोडक्ट को, एक आइटम को एक जगह से कैरी करने में, दूसरी जगह लगाने में, वो सब ट्रांसपोर्ट में आता है और वो एक तरह का वेस्ट है क्योंकि वो किसी तरह की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में और हमारे ऑपरेशंस में. प्रोसेस कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कुछ प्योर कंपोनेंट डिजाइन होती है, कुछ प्योर मेंटेनेंस होती है. इसलिए ये जो प्रोसेस होते हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री है ये बेसिकली जो इन्वेंट्रीज होती है वो एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि उनको आप कम से कम रखो. ये कम हो सकती है अगर आपको पता हो कि क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं. मोशन भी एक फॉर्म है वेस्ट का. जो ऑपरेटर है वो कई बार बिजी होता है पर कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है. नेक्स्ट इज डिफेक्टिव. क्वालिटी जो वेस्ट है वो भी एक तरह का वेस्ट है जो ऑपरेशंस में होता है. जितना भी टोटल कॉस्ट है क्वालिटी का वो बहुत ज़्यादा होता है और वो कंसिडर किया जाता है. द 5S, जो ये 5S की टर्मिनोलॉजी है ये जापान से ओरिजिनेट हुई है. ये S रिप्रेजेंट करते हैं सॉर्ट. सॉर्ट का मतलब है वो रिमूव कर दो वो सब चीजें जिनकी जरूरत ना हो और सिर्फ वही चीजें रखो अपने ऑपरेशंस में जिनकी जरूरत हो. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग. चीजों को इस तरीके से प्लेस करो कि पोजीशन इस तरह रखो कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए और इजीली उनको सबको मिल जाए जब भी जरूरत हो ऑपरेशंस में प्रोडक्शन में. शाइन, चीजों को साफ रखो, कोई इसमें डर्ट ना हो, कोई इसमें डस्ट ना हो. स्टैंडर्डाइज, क्लीननेस मेंटेन करनी चाहिए, ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और हमेशा कॉन्टिन्यूस एक नीटनेस मेंटेन करनी चाहिए किसी भी ऑपरेशन में. सस्टेन, एक कमिटमेंट डेवलप करना चाहिए, प्राइड डेवलप करना चाहिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का. लीन ऑपरेशंस इन सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस इंडस्ट्री में लीन ऑपरेशंस, फर्स्ट इज सेलुलर डिजाइन. ये सेलुलर डिजाइन अगर हम देखें तो ये भी एक तरह की लीन टेक्निक है जो आजकल सर्विस इंडस्ट्री में होती है. ये ड्रामेटिक रिजल्ट्स लेकर आ सकती है. एक एग्जाम्पल है लोकल अथॉरिटी का. लोकल अथॉरिटी है वो सैंक्शन करती है बिल्डिंग प्लान्स के अप्रूवल. वो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके प्लान्स को अप्रूव करती है. नेक्स्ट इज वैरायटी एज लेट एज पॉसिबल. अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस हो सकता है जहाँ पे जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती हैं वो बनती हैं उसमें कुछ नेसेसरी क्लॉजेज होते हैं वो भी ऐड किए जाते हैं. चेंज और रिडक्शन प्रिंसिपल. ये हम देख सकते हैं ये टेक्निक रेस्टोरेंट्स में, होटल रिसेप्शन डेस्क में, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में.
डेवलपमेंट ऑफ टाइम बेस्ड कॉम्पिटिटिवनेस. टाइम बेस्ड कॉम्पिटिटिवनेस जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग से डेवलप हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, डिस्ट्रीब्यूशन में. एग्जाम्पल है वॉलमार्ट. वॉलमार्ट एक अमेरिकन डिस्काउंट स्टोर है, जहाँ पे जो कस्टमर की डिलीवरी का टाइम है वो ऑलमोस्ट 80% कम है उनके कॉम्पिटिटर्स का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एटलस डोर. डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर एंड साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज डिजाइन. डिजाइन एक बेसिकली टूल होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लीन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको. लीन डिजाइन होता है वो डिमांड करता है कि किसी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे क्लोज कोऑपरेशन हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो क्वालिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट हो. जो लीन कंपनीज होती हैं वो वेज ढूंढती हैं कि कैसे वो अपने ग्रुप्स को एक साथ लेकर फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें. म्यूचुअल प्रॉब्लम जो है उनको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इस प्रोसेस को साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग भी कहते हैं. डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लान करता है कि कैसे डिज़ाइन करना है क्वालिटी में और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी में. जो साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग है वो एक रग्बा स्क्रम मेथड है, जहाँ पे वो टीम को एक साथ पुट करता है, चाहे वो टीम डिज़ाइन की टीम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की, डेवलपमेंट की, क्वालिटी की, सप्लायर्स की और भी जो मार्केटिंग की. नेक्स्ट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आज बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बेटर डिज़ाइन भी से होती है और टाइम जो है वो भी कम यूज़ होता है. जो सुपीरियर कैड होते हैं, कैड सिस्टम्स होते हैं, वो आजकल परमिट करते हैं सिमुलेशन, जहाँ पे क्या होता है एक मैथमेटिकल मॉडल होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो टेस्ट किया जाता है इससे पहले कि वो मैन्युफैक्चर हो. सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इन डिज़ाइन. सप्लायर की जो इन्वॉल्वमेंट है डिज़ाइन में वो ये रिकग्नाइज करती है कि क्या कोई एटमॉस्फेयर है भी ट्रस्ट का या फेथ का जितने भी इस्टेब्लिश सप्लायर्स हैं उनके बीच या नहीं. जो सप्लायर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने एरिया में. टाइम चार्टिंग एंड एनालिसिस. इट कैन बी यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स इन डिक्रीजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम्स और एनहांसिंग द टर्न अराउंड टाइम इन मोस्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्रीज. ये यूज होता है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है उसको कम से कम किया जाए, जो प्रोडक्ट को बनने में टाइम लग रहा है उस टाइम को कम किया जाए, और ये सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है. क्रिटिकल पाथ मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर ओवर 30 इयर्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिकली टू ऑर्गेनाइज द टाइम कोऑर्डिनेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज. क्रिटिकल पाथ मेथड होता है जो भी ड्यू पॉइंट ने इंट्रोड्यूस किया था. ये टेक्निक आज से ऑलमोस्ट 30 साल से यूज हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ताकि जो टाइम का कोऑर्डिनेशन है जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो सही हो. ये क्रैशिंग भी अलाउ करता है, और जो ये क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टाइम को और कॉस्ट को कम से कम किया जाए. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. BPR इज अ बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ओरिजिनली पायनियर्ड इन द अर्ली 1990s
focusing on the analysis and the design of workflow and process within the organization. Business process re-engineering basically एक management की strategy है जिसके through वो अपनी techniques को अपने methods को improve करता है, अपने process को improve करता है और फिर उनको organizations में दोबारा लेकर आता है. Business process re-engineering aim to help organizations fundamentally rethink how they do their work in order to dramatically improve customer service, cut operational cost and become world class competitors. BPR का जो aim है वो यही है कि organizations को मजबूर करें, उनको एक बार मौका दें, उनको एक बार अपॉर्चुनिटी दें कि वो दोबारा सोचें कि वो कैसे अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं उनको कम कर सकते हैं और एक वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं. Business process re-engineering seeks to help companies radically restructure their organizations by focusing on the ground-up design of their business process. ये BPR basically companies को help करती है कि वो अपनी organizations को restructure करें. Business process re-engineering is also known as business process redesign, business transformation or business process change management. Business process re-engineering इन नामों से भी जाना जाता है. Business process re-engineering ये एक process दिखा रहा है, पहले है कि आप process को, जो processes हैं उनको identify करिए, फिर रिव्यू करिए, अपडेट करिए और एनालाइज करिए उसको. उसके बाद आप डिज़ाइन करिए एक प्रोसेस और फिर उसको टेस्ट करिए और फाइनली उसको, अगर वो इफेक्टिव है फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. नाउ EDI, EPOS एंड बार कोडिंग. Electronic data interchange is the structured transmission of data between organizations. By electronic means, it is used to transfer electronic documents or business data from one computer system to another system, that is from one trading partner to another trading partner without human intervention. EDI एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स अपने डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में. ये स्ट्रीट कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल टेक्नोलॉजी विच एनेबल्स एन एफिशिएंट रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर. इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल टेक्नोलॉजी है जो फैसिलिटेट करती है सेल गुड्स और सर्विसेज की कस्टमर को, वो रिकॉर्ड करती है जो भी सेल हो रही है, चाहे गुड्स की हो रही है चाहे सर्विसेज अवेल कर रहा हो कस्टमर. बारकोड. A barcode is an optical machine readable representation of data relating to the object to which it is attached. Barcode एक optical machine readable device होती है जिसके through data read किया जा सकता है. Basically ये आप देखेंगे जो malls होते हैं वहाँ पे आजकल use हो रहे हैं. Barcode एक छोटी सी device होती है जिसके through product के पीछे जो barcodes होते हैं, long long lines होती हैं, उसके नीचे कुछ code लिखा होता है. Barcode वो code read करता है, उसके through वो उस product की price बताता है. Do it yourself. List the seven forms of waste.
explain how fibers are used to eliminate them. Second, what is business process engineering? That's all for this session. Thank you.